मुश्किल वक्त हमेशा आपको अकेला झेलना पड़ेगा, मुश्किल वक्त से हमेशा आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा सर। जब आप ये लाइन कहते हो ना कि मेरे से ये वाला काम नहीं हो पा रहा है, मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ इसकी वजह से ये दिक्कत है, मेरे साथ उसकी वजह से ऐसा दिक्कत है, ये ठीक होता तो मैं ये कर लेता, ऐसा ठीक होता तो मैं ऐसा ऐसा हो जाता, इसका मतलब समझो कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपका जिंदगी किस वर्क की वजह से खराब हो रहा है, आप यही तो कहना चाह रहे हो ना। इसके मतलब ये भी निकलते कि आपका जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के पास में है, यानी कि आपका जिंदगी कोई और खराब कर सकता है। तो आप ये भी मान के चल रहे हो कि आपका जिंदगी किसी और के वजह से ही अच्छा होगा। क्या आपको लगता है कि आज का दुनिया में कोई आपका जिंदगी अच्छा करने के लिए मेहनत करेगा? ऐसा कभी होगा क्या? लोग गिरने का प्लानिंग करता है, उठाने का नहीं। लोग डुबाने को जरूर सोचते हैं, बचाने को नहीं। और ऐसा समय में आप कहते हो कि उसके वजह से मैं बर्बाद हुआ, तो आप मान के चल रहे हो कि कोई और वजह बनेगा आपका आबाद होने का। आपका जिंदगी का कमान आप हाथों में लो, और जिस दिन आप ये कहना शुरू कर दिया ना कि मेरा बर्बादी का कारण मैं खुद हूँ, कल आबाद भी खुद की वजह से ही बन जाओगे। अपनों की सपने की वक़्त अपने का तकलीफ तय करता है। कितना बड़ा सपना है आपकी, कितना ताकतवर सपना है, ये तय करते है कि आप कितना तकलीफों से गुजर रहा हो, कितना ज्यादा संघर्ष है आपका जिंदगी में, कितना ज्यादा मुसीबत है, थोड़ा मोड़ा टेंशन है, थोड़ा मोड़ा तकलीफ है, मतलब थोड़ा मोड़ा ही हासिल करने वाला हो। छोटा सपना है, छोटा लक्ष्य, छोटा ड्रीम। अगर लक्ष्य बड़ा होगा तो लड़ाई भी बड़ा होगा, ड्रीम बड़ा होगा तो संघर्ष भी बड़ा होगा। मुसीबतों से घबराने का नहीं, टकराना सीखो, क्योंकि ये कहा जाता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही लेके आता है, और आपका वो सोल्यूशन को ढूंढना पड़ता है।